बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 5। बच्चों, पाठ 5 में हमने पाठ पढ़ लिया था और हम इसका अभ्यास करने कर रहे थे। तो बच्चों, अभ्यास में कल हमने पढ़ा प्रश्न उत्तर, मौखिक प्रश्न, और उसके बाद हमने पढ़ा रिक्त स्थान पूरे करो, और उसके बाद हमने पढ़ा पढ़ो समझो और लिखो। तो बच्चों, पढ़ो समझो में हमने पढ़ा कुछ शब्दों का सही उच्चारण और नुक्ता शब्द, मीन्स नुक्ता मतलब बिंदी लगाना, किसी शब्द के नीचे बिंदी लगा करके फिर उसका उच्चारण। तो बच्चे, जो भी हमने कल पढ़ा उसको फिर से दोहराएंगे और आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न था, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। बैंगन का क्या नाम था? बैंगन का क्या नाम था? तो बच्चों, यहाँ पे बैंगन का नाम गोलू था। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं बैंगन गोल था, शायद इसलिए उसका नाम गोलू रखा गया था। तो कहानी में बैंगन का नाम गोलू था। तो हमारा दूसरा विकल्प गोलू सही उत्तर है। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है, किसकी खाल छिल गई थी? बच्चों, किसकी खाल छिल गई थी? यहाँ पे हमारे पास 3 विकल्प हैं, और जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि टमाटर और बैंगन दोनों पेड़ से झूला झूलते समय नीचे गिर गए थे, गिरने की वजह से बैंगन की खाल छिल गई थी और टमाटर की कमर पिलपिली हो गई थी। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास बैंगन की खाल छिली थी, इसलिए हम पहला विकल्प लौकी, दूसरा विकल्प लालू और तीसरा विकल्प गोलू की गोलू है। गोलू बैंगन का नाम था, इसलिए हम किस पर टिक लगाएंगे? हम सही का निशान किस पर लगाएंगे? गोलू, तीसरा विकल्प गोलू पर लगाएंगे। उसके बाद तीसरा, उन्हें किसके आने की आहट सुनाई थी? किसे बच्चों? गोलू बैंगन और लालू टमाटर को किसके आने की आहट सुनाई थी? तो यहाँ पे हमारे पास 3 विकल्प है, माली, किसान, मालिक। तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था, जब यह दोनों पेड़ से नीचे गिर गए तो इन्हें कुछ ही समय बाद इन्हें माली के आने की आहट सुनाई थी। क्यों माली के आहट के से यह डर जाते हैं? क्योंकि उनको पता था कि जो भी फल गिर करके नीचे गिर पेड़ से नीचे गिर जाता है उसे माली उठाकर ले जाता है, अपने डरिया में रखकर ले जाता है, और यह अभी जाना नहीं चाहते थे। तो इसलिए वह उन्हें माली की आने की आवाज़ सुनाई दी, आहट सुनाई दी। तो वह माली की आहट से डर जाते हैं और पेड़ की तरफ जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। लेकिन उनके पेड़ की तरफ जाने का कोई फायदा था नहीं, क्योंकि वह वापस चाह कर के भी एक बार जब जो पेड़ से अलग हो गया है वह फल वापस पेड़ में नहीं लग सकता, फल हो या सब्जी हो वह वापस पेड़ में नहीं लग सकता। तो यहाँ पर माली के आने की आहट सुनाई दी, इसलिए आप पहला ऑप्शन या पहला विकल्प माली पर टिक करेंगे। तो बच्चों, हमारा यह था विकल्प, यह था हमारा सही उत्तर के आगे टिक लगाओ। हमारा अगला प्रश्न है भाषा से। भाषा से भी हमारे पास पहला प्रश्न हमने पढ़ा था पढ़ो और समझो। बच्चों, पढ़ो और समझो में हमने कुछ शब्दों का यहाँ पे जिक्र किया था, हमने कुछ अक्षरों से या व्यंजन वर्ण से कुछ शब्द बनाए थे, जिनमें हमने एक तो बिना नुक्ता के शब्द बनाया था और दूसरे नुक्ता, नुक्ता मतलब बिंदी लगाना। बिंदी कहाँ लगाना? शब्द के नीचे छोटी सी बिंदी लगा करके हम उसे नुक्ता कहते हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द हमारा है ज, ज, जब, जहाँ, जाल, जो। तो यहाँ पे हमारा पहला शब्द था ज। पढ़ो भाषा से, पढ़ो और समझो, स म छो समझो। यहाँ पे हम पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। तो यहाँ पढ़ करके हमको क्या समझना आता है? तो जो ज है, जैसा कि हम व्यंजन वर्ण में ज पढ़ते हैं, ज को हम ज कहते हैं, और जब हम इसको किसी शब्द के साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो जैसे कि ज से जहाज, ज से जोकर, ज से जब, ज से जहां, ज
और इस तरह से हम इसका उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जब, जब, फिर ज, हाँ, जहाँ, फिर है जलेबी, जब लेबी में भी जब है, उसके बाद जैसा। हमारे पास बहुत से शब्द हैं जिसमें हम ज का प्रयोग करते हैं, लेकिन बच्चों इसी ज के नीचे अगर हम एक बिंदी लगाते हैं, कहाँ बिंदी लगाते हैं, ज के नीचे अगर हम एक छोटी सी बिंदी लगाते हैं इस तरह से, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ज, क्या पढ़ते हैं, ज, जरा। फिर उसके बाद सब्जी, फिर उसके बाद हमारे पास है मजा, फिर है आवाज। तो इसको हम ज पढ़ते, ज नहीं पढ़ते, ज पढ़ते। तो हम यहाँ कुछ ज से शब्द बना करके पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा हो गया जोर, जोर, जोर नहीं पढ़ेंगे इसको, जोर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे ज, ज, मी, न, जमीन। फिर उसके बाद ज, मी, र, जमीन, यहाँ जमीन पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद हमारे पास मजा, म, जा, मजा। उसके बाद हम इसको पढ़े, आगे पढ़ेंगे कब्ज, कब्ज। तो बच्चों इसमें बिंदी लगाने के बाद इसका उच्चारण बदल जाता है, तो इन बिंदी लगाए हुए शब्दों को नुक्ता बोलते हैं। बिंदी को लगाना मतलब नुक्ता कहलाता है। तो यहाँ पे जब हम किसी भी अक्षर पे या किसी भी व्यंजन पे बिंदी लगा देते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे कि जब हमने बिना बिंदी के शब्द बनाए थे ना, ज, ज से जहाज, ज से जोकर, ज से जलेबी, ज से जब, ज से जहां, ज से जैसा, इस तरह से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। लेकिन जब यही भी हमने नुक्ता लगाया, बिंदी लगाया, तो हो गया ज, ज, जोर, जमीन, जमीन, मजा, कब्ज। तो हमारा उच्चारण बदल गया, हम उसको ज से ज बनाएंगे उसके बाद। फिर उसी तरह बच्चों यहाँ पे हम इसी नुक्ता वाले ज को अगर आधा ब के साथ मिला करके हम शब्द बनाएंगे, ब के नीचे लंग का मतलब है, यहाँ पे हम ब को आधा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ज, और इस ज से बनेगा आधा ब और ज। अब इससे हम शब्द बनाएंगे, इसे क्या क्या शब्द बना सकते हैं, हम इसे शब्द बना सकते हैं स, ब, जी, सब्जी। जो सब्जी हमारे पापा और आपकी मम्मी बाजार से लाती है उसको हम सब्जी बोलेंगे, सब्जी नहीं बोलेंगे, सब्जी बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास है जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा कब्ज, क, आधा ब, आधा ब और ज, ये हो गया कब्ज, ये हो गया कब्ज। उसके बाद है नब्ज। तो इस तरह से हम नए नए शब्द बनाएंगे, आपको अगर कहीं और शब्द मिलते हैं तो आप इनको इस तरह से बना करके इसको बोल करके और लिख करके इनका अभ्यास करेंगे, ताकि आपको यह शब्द और अच्छे से समझ में आए, और जितना ही आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप कभी भी फिर इसे भूलेंगे नहीं। तो बच्चों यह था पढ़ो और समझो, यह भी कल हमने पढ़ा था और आज कल हमने पढ़ा, और आगे हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है पढ़ो समझो और लिखो। अब इसमें क्या है, यहाँ प्रश्न दो, पढ़ो समझो और लिखो। पढ़ो समझो और लिखो में हम पढ़ेंगे प्रश्न दो, दो में हम पढ़ेंगे पढ़ो समझो स म झो और लिखो। देखो प्रश्न दो, पढ़ो समझो और लिखो। पढ़ो समझो और लिखो में बच्चों हम हमारे पास यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है माली, माँ और ली, माली, और उसके साथ जो हमें शब्द दिया गया है वह है
मालिन। तो बच्चों इन दोनों शब्दों को देखकर आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पे इन दोनों शब्दों को देख के आपको क्या समझ में आता है? इन दोनों शब्दों को हमें यह समझ देखकर यह समझ में आता है कि यह लिंग, क्योंकि यहाँ पे दो शब्द हैं जो एक दूसरे के विपरीत लिंग वाले हैं। तो यहाँ पर विपरीत लिंग मतलब ये है मालिक पुरुष जाति का है और मालिन स्त्री जाति की है, इसलिए यह दोनों शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत लिंग को दर्शा रहे हैं। तो हमें यहाँ यह समझ में आता है कि जो भी शब्द लिए गए हैं हमें उस शब्द के विपरीत लिंग को हमें यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों एक बार हम लिंग पढ़ा लेते हैं। तो बच्चों हमने कक्षा एक में भी लिंग पढ़ा है और कक्षा दो में भी लिंग पढ़ा है। तो अभी तक आपको लिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिंग क्या है? वह शब्द जिससे हमें किसी भी संज्ञा शब्द के स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। बच्चों वह संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी के भी स्त्री या पुरुष होने का पता चले, तो यहाँ इसे हम लिंग कहते हैं। और बच्चों लिंग कितने प्रकार के होते हैं या लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के दो भेद हैं। अभी आपकी कक्षा के लिए लिंग के दो भेद हैं। वह दोनों भेद हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं और जो शब्द स्त्री जाति की हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमें उदाहरण दिए गए हैं इन उदाहरण के विपरीत लिंग को हमें यहाँ पर लिखना है। अगर हमें यहाँ पे स्त्रीलिंग का शब्द दिया गया है तो हम उसका पुल्लिंग लिखेंगे और पुल्लिंग शब्द दिया गया है तो हम उसका स्त्रीलिंग लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसे। तो पहला हमारे पास उदाहरण करके दिया हुआ है माली माले। यहाँ पे हमें पुल्लिंग शब्द दिया गया था तो हमने इसका स्त्रीलिंग शब्द लिखा। अब दूसरा शब्द हमारे पास है पड़ोसी। पड़ोसी पड़ोसी। तो बच्चों पड़ोसी का मतलब जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा हमारे आसपास रहने वाले लोगों को हम पड़ोसी कहते हैं। तो पड़ोसी क्या है? यह एक पुरुष जाति का शब्द है। यह शब्द किस जाति में आएगा? पुरुष जाति में आएगा। तो हमें यहाँ पे इसका विपरीत लिंग वाला शब्द लिखना है। तो पड़ोसी का विपरीत लिंग वाला शब्द स्त्री जाति का होगा और वह होगा पड़ोसन। हम उसे पड़ोसन भी बोल सकते हैं या पड़ोसन भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ इसका विपरीत लिंग वाला शब्द जो कि स्त्री जाति का होगा उसे लिखेंगे, पड़ोसी का पड़ोसन या पड़ोसन। उसके बाद बच्चों हमारे पास तीसरा शब्द यहाँ पे है माता। आप माता देखकर समझ सकते हैं कि यह भी स्त्री जाति का शब्द है। तो यहाँ पे हम इसके विपरीत लिंग को लिखेंगे। विपरीत लिंग इसका पुरुष जाति का होगा। माता माँ, तो माँ का विपरीत लिंग होगा पिता। तो आप यहाँ लिखेंगे पिता। बच्चों माता का विपरीत लिंग वाला शब्द होगा पिता। माता स्त्रीलिंग है और पिता पुल्लिंग है। माता स्त्री जाति की है और पिता पुरुष जाति का है। तो दोनों विपरीत लिंग वाले शब्द होंगे। योग्य माता योग्य पिता। उसके बाद चौथे में हमारे पास है दादी। दादी क्या हो गई? दादी भी स्त्री जाति की हो गई। तो इसका विपरीत लिंग हो गया दादा। और दादा की जाति क्या हो गई? दादा पुरुष जाति के हो गए। तो हमने इन जो भी शब्द हमें दिया गया है अगर हमें स्त्री जाति का शब्द दिया गया है तो हमें उसका विपरीत पुरुष जाति का शब्द लिखा और अगर पुरुष जाति का शब्द दिया गया है तो उसका हमने विपरीत स्त्री जाति का शब्द लिख करके यह अभ्यास पूरा किया। तो बच्चों इसी तरह हमने और भी बहुत सारे उदाहरण अपने व्याकरण की पुस्तक में भी पढ़ा है और हर पाठ के पीछे कोई ना कोई शब्द कुछ ना कुछ अभ्यास दिए हुए हैं जिसमें हमने लिख पढ़ा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे और भी आप चाहे तो शब्दों को ले सकते हैं लड़का लड़की
फिर उसके बाद आप देख सकते हैं गाय का बैल, कुत्ता, कुतिया, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिसको पढ़ करके अभ्यास कर सकते हैं या दोहरा सकते हैं। तो इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में हमारे पास है एकवचन बहुवचन। एकवचन बहुवचन, अब एकवचन बहुवचन क्या होता है? एक मतलब एक और बहुवचन मतलब अनेक। तो बच्चों वचन, सबसे पहले हम जानेंगे कि वचन क्या होता है। वचन मतलब नंबर, वह शब्द जो संख्या शब्दों की संख्या बताए उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन दो प्रकार के होते हैं या वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, एक वचन में हमारे पास कोई भी वस्तु एक होती है, और अनेक या बहुवचन में हम उसे कह सकते हैं जिसमें हमारे पास एक से अधिक, चाहे वो दो हो, तीन हो, चार हो या कितने भी अनगिनत हो, वह बहुवचन या अनेक में आता है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे। इससे पहले भी हमने कई पाठों में यह एक वचन और बहुवचन पढ़ा है, इसलिए आपको अपने व्याकरण बुक में भी हम वचन पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से आता होगा। आप मेरे साथ यहाँ पे अभ्यास करके उन चीज़ों को दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है, एक से अनेक, हमें क्या करना है? एक से अनेक बनाना है। तो अनेक का मतलब होता है बहु, बहु मतलब बहुत सारा, बहु मतलब बहुत सारा, बहु वचन, बहु वचन। तो हम इसे एक से अनेक बनाएंगे। तो पहला हमें दिया है एक वचन वाला, जैसे कि हमारे पास है क रे ला करेला। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो दिया है वह है हीरा हीरा। फिर है हमारे पास झूला झूला। फिर है हमारे पास लौकी लौकी। फिर है सब्जी सब्जी। फिर है टोकरी टोकरी। तो बच्चों इन शब्दों का हम बहुवचन लिखेंगे। तो बच्चों इसके पहले भी हमने एक वचन और बहुवचन दिया है, तो चलिए उसको हम एक बार करके दोहरा लेते हैं। यहाँ पे करेला, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है, किसी शब्द में अगर आ की मात्रा आखिर में होती है तो उसे बहुवचन बनाने के लिए, एक से अनेक बनाने के लिए हम उस आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल देते हैं, तो वह एक से अनेक हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो करेला की आ की मात्रा है उसको हम एक ही मात्रा में देंगे, क रे करे ले करेले। तो ये एक से अनेक बन गया, क्या बन गया? एक से अनेक। यहाँ पे करेला एक ही मात्रा लगाने से एक से अनेक बन गया। तो थोड़ा सा हम उसके अगर किस्सा कह लेते हैं, तो मेरा पहला शब्द है क रे ला करेला। अब इस करेला में हमने लगाया क रे ले करेले, ये हो गया करेले करेले। एक करेला एक, करेले एक अनेक। उसके बाद यहाँ पे दूसरा हमारा शब्द था, दूसरा शब्द है खीरा खीरा। तो बच्चों यहाँ पे भी कुछ वैसा है, आखिरी शब्द में आ की मात्रा है, कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो हम इसको लिखेंगे, बदल देंगे एक ही मात्रा में, जाएगा खी रे एक ही मात्रा रे खी रे खी रा खी रे। ख पे बड़ी की मात्रा खी रे आगे मात्रा रा, ख पे बड़ी की मात्रा खी रे एक मात्रा रे खी रे। बहुत एक है तो खीरा है, और अनेक करने के लिए हमने आ की मात्रा मात्रा करके एक ही मात्रा कर दिया, तो हो गया खीरे। उसके बाद हमारे पास है झूला झूला, भी उसी तरह है झ झ में एक ही मात्रा झू ल में आपकी मात्रा ला झूला।
झूला में भी, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है, हम झूला की मात्रा को आ की मात्रा को ए की मात्रा में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा झूले, हो जाएगा झूले, झूला एक, झूले अनेक। तो इस तरह से हमने एक वचन को अनेक में या बहुवचन में बदल दिया। अब उसके बाद हमारे पास है लौकी। लौकी को बच्चों जैसे अभी हमने आ की मात्रा वाले शब्द को एक से अनेक में बदला, लेकिन अब हमारे पास बड़ी ली की मात्रा है। तो जैसा कि हम जानते हैं जब भी हमारे पास बड़ी ली की मात्रा होती है तो हम क्या करते हैं, बड़ी ली की मात्रा होने पर हम जो ये मात्रा है उसको छोटी ली की मात्रा कर देते हैं। कैसे करते हैं, जब यहाँ लगाते हैं तो वो छोटी ली की मात्रा बन जाती है लौकी। तो लौकी जैसा कि मैंने बताया लौकी में हमारे पास बड़ी की मात्रा है, तो जहां कहीं भी हमारे पास बड़ी की मात्रा होती है उसको बहुवचन में बनाने के लिए उसकी मात्रा को हमें छोटी की मात्रा करनी पड़ती है। तो ये है लौ की, कॉपी छोटी की मात्रा की, या लौकिया, ये हो जाएगा लौकिया, ये हो जाएगा लौकिया। तो लौकी की मात्रा जो क की मात्रा थी या के पहले वाली मात्रा थी वह बड़ी से छोटी की मात्रा हो जाएगी, ये जाएगा लौकिया। उसके बाद सब्जी, सब्जी, सब्जी में हम क्या करेंगे, सब्जी में हम जब भी जो बड़ी की मात्रा है उसको छोटी कर देंगे। क्यों छोटी करेंगे, क्योंकि उसके बाद या हमें लगा करके इसे बहुवचन बनाना है। तो ये जाएगा स आधा ब, जब की मात्रा छोटी हो गई, जी जब के नीचे बिंदी, या के ऊपर चंद्र बिंदु, ये हो गया आपका सब्जियां, सब्जियां, ये हो गया सब्जियां। अब टोकरी, फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, र पे आपके शब्द पे बड़ी की मात्रा है, तो हम इसको लिखेंगे ट, ट पे ओ की मात्रा टो, क र पे छोटी की मात्रा री, या टोकरियां, ये हो गया र की मात्रा छोटी की मात्रा हो गई और यह एक से अनेक बन गया। तो बच्चों करेला, करेले, खीरा, खीरे, झूला, झूले, लौकी, लौकियां, सब्जी, सब्जियां, टोकरी, टोकरियां। तो इस तरह से हम इसे एक से अनेक बनाएंगे, एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी मात्रा एक ही मात्रा में बदल जाएगी एक से अनेक बनाने में, और जो बड़ी की मात्रा है वह छोटी की मात्रा में बदल जाएगी और या बन जाएगा, तो यह शब्द एक से अनेक बन जाएगी। करेला, करेले, खीरा, खीरे, झूला, झूले, लौकी, लौकियां, मछली, सब्जी, सब्जियां, टोकरी, टोकरियां। और भी बहुत सारे शब्द हैं, मछली, मछलियां, मक्खी, मक्खियां, जूता, जूते, पत्ता, पत्ते। तो आप और बड़ी की में इस तरह से आप परिवर्तन करके उसे एक से अनेक बना सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला शब्द है, अगला प्रश्न है चार, प्रश्न चार। तो सुनो और लिखो, स सुनो। तो बच्चों यह जो प्रश्न है यह मुख्यतः श्रुति लेख के लिए है। इन शब्द यह शब्द हमें दिए गए हैं जिससे आप की टीचर आपको बोले और लिखे। तो चलिए इन शब्दों को लिख करके एक बार इनका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये शब्द थोड़े कठिन हैं, तो इन्हें कैसे लिखना और पढ़ना है एक बार इनको लिख करके हम इनका अभ्यास कर सकते हैं। सुनो और लिखो, तो यह डिक्टेशन या श्रुति लेख बोलने के लिए शब्द हैं जिनको हम यहाँ देखेंगे और इसको बोल करके इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो सुनो और लिखो। तो यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है सब्जियां, स ज, क्योंकि यहाँ लगा है तो ज पे छोटी की मात्रा हो जाएगी और ज के नीचे बिंदी है और ज के साथ आधा क है, सब्जियां। जहां पर भी यहाँ लगा है बच्चों आप आंख बंद करके से पहली वाली मात्रा में छोटी की मात्रा लगाते हैं, स आधा ब, ज के ऊपर छोटी की मात्रा, य पे चंद्र बिंदु, सब्जियां। उसके बाद हमारे पास है दो, दूसरे में हमारे पास है होड़, दूसरे में है होड़, होड़,
जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, होड़ का मतलब बाजी लगाना या शर्त लगाना, होड़ का मतलब बाजी लगाना या शर्त लगाना। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा शब्द है तीन, तीन में हमारे पास है सुहावना, सुहावना, सुहावना। स सफेद छोटे की मात्रा सुहावना, सुहावना। उसके बाद हमारे पास है पेन, इसके बाद है फोर पे हमारे पास है पेन, प प पे बिंदी ग, पेन, प प पे एक चोटी और बिंदी पेन, ग पेन। उसके बाद हमारे पास है टक्कर, तो हमारा पांचवा शब्द है ट, आधा क, पूरा क, र, टक्कर। उसके बाद छठा शब्द हमारा है कोशिश, क क पे ओ की मात्रा को, श पे छोटी की मात्रा शी, श, कोशिश। यह है क पे ओ की मात्रा को, श पे छोटी की मात्रा शी, श, कोशिश। उसके बाद हमारे पास सातवें नंबर पे है पिन पिली, पिन पिली, पिन पिली। उसके बाद हमारे पास है आहट, आठवां शब्द हमारा है आ ह ट, आहट। तो बच्चों पहला शब्द है स, आधा ब, ज, क्योंकि पीछे यहां लगा है तो ज की मात्रा छोटी हुई, सब्जियां, यहाँ पर भी आखिरी में यहाँ होता है तो उसके पहले वाली मात्रा छोटी होती है, तो ये हो गया सब्जियां, स, आधा ब, जब भी छोटी की मात्रा सी, या सब्जियां, ह, ह पे ओ की मात्रा हो, ड, होड़, ह, ह पे ओ की मात्रा हो, ड, होड़, स, स पे छोटी की मात्रा सु, ह पे आ की मात्रा हा, व, ना, सुहावना, प, प पे ए की मात्रा पे, ग, पे, प, प पे ए की मात्रा बिंदी पे, बिंदी मतलब अंक की मात्रा पे, ट, आधा क, पूरा क, र, टक्कर, ट, आधा क, पूरा क, र, टक्कर, क, क पे की मात्रा को, श पे छोटी की मात्रा शी, श, कोशिश, प, प पे छोटी की मात्रा पी, ल, पिल, पी, ली, पिल, पिली, अ, अ पे आ की मात्रा आ, ह, ट, आहट, अ, अ पे आ की मात्रा आ, ह, ट, आहट। उसके बाद सब्जी का मतलब आप सभी को पता है, सब्जी क्या होती है, होड़, होड़ मतलब बाजी या शर्त लगाना, सुहावना मतलब मन को भाने वाला, मन को भाने वाला मौसम हो सकता है, चांदनी रात हो सकती है और कोई भी वस्तु हो सकती है, देखिए वस्तु के लिए हम सुहावना शब्द जुड़े हैं, तो यह सारी चीजें सुहावना हो सकता है। पेंग, पेंग का मतलब झूला, झूलते समय बहुत लंबी लंबा जो लगा के आगे तक जाना को हम, और पेंग का मतलब एक बार आगे जाना फिर एक बार पीछे जाना, इसे हम पेंग कहते हैं। उसके बाद टक्कर, टक्कर मतलब किसी चीज से टकराना, कोशिश मतलब प्रयास कर, प्रयास करना, पिलपिली, पिलपिली मतलब ढीला हो जाना, मतलब कोई भी चीज कड़ी है गिरने की वजह से या दबने की वजह से या चोट खाने की वजह से वह थोड़ी नरम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उसको छूने से उसके अंदर का जो गूदा है या उसके अंदर का जो रस है वो बाहर आ जाए, या जूस जो है बाहर आ जाए, या पल्प जो है बाहर आ जाए, उसे हम पिलपिलाते हैं। उसके बाद आहट, आहट मतलब किसी के कदमों की आवाज, किसी के चलने की आवाज, उसे हम आहट कहते हैं। तो यह कुछ शब्द है सब बच्चों जिनको आप लिख करके बोल करके याद करेंगे और उसके बाद इससे इसको यहाँ के पे इसे याद करके आप इसको लिखेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न हमारा है अ,
करने की बारी। तो अब करने की बारी में पाठ में जिन सब्जियों के नाम आए हैं वे किस मौसम में होते हैं। तो बच्चों इस पाठ में जो जो सब्जियों के नाम आए हैं ये सारे जैसे टमाटर और या आजकल तो अधिकतर सब्जियां हर मौसम में मिलती हैं, लेकिन जो खीरा है, ककड़ी होती है, ककड़ी नहीं है, खीरा है, करेला है और लौकी है, ये सब सब्जियां ज़्यादातर हमें गर्मियों के मौसम में मिलती हैं। जितनी भी पानी वाली सब्जियां होती हैं जिसमें पानी ज़्यादा होता है, जैसे कि ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, लौकी हो गया, ये सब सब्जियां गर्मियों में ही मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जियां हैं बैंगन, टमाटर, टमाटर तो हर मौसम में मिलता है, बैंगन हो गया या फिर लौकी हो गई और खीरा भी है और करेला भी है, ये मुख्यतः गर्मियों में ही मिलती है। और उसके बाद बच्चों आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं, अगले पाठ में हम आगे का अभ्यास पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।